निपुण जुड़ चुके हैं। निपुण, क्या कुछ पूरी जानकारी, जांच का दायरा बढ़ाया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने कल अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 14 दिनों के रिमांड पर उस आतंकियों की पूछताछ है अभी एटीएस ने जारी कर दी है। आपको बता दें एटीएस की पूछताछ में बड़े खुलासे अभी तक हो रहे हैं। गुजरात और अहमदाबाद सहित पूरे देश में आईएएस के सिफर स्लेयर सक्रिय होने का खुलासा है इस पूछताछ में हुआ है। साथ ही साथ वो चारों आतंकी थे, अब तक 8 बार भारत आ चुके हैं और उनके लगातार जो इंडिया में जुड़ा हुआ है वो रहा है। वो चेन्नई के बाद अहमदाबाद पहुंचे थे जहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक में से जो आतंकी मोहम्मद फारिस है जो ड्रग का कारोबार चला रहा था, उसके साथ ही श्रीलंका में जो आतंकी मोहम्मद रासदीन है वो 5 मामलों में गिरफ्तार भी हो चुका है। उसके बाद वो यहाँ पे इंडिया आया था और चार जो आतंकी है फुल वेल ट्रेनेड थे, उनकी 4 महीने तक जो ट्रेनिंग है वो चली थी और उसके बाद वो आत्मघाती हमले के लिए भारत उनको भेजा गया था। आक्रमण करने का परीक्षण था जो अंतिम भाग था, उसके लिए उनको यहाँ पे भेजा गया था। उनके लिए एक हथियार भी जो है अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में जो आया नाना चलोड़ा है वहीं पे रखे गए थे और उनको देने वाले थे। उसके पहले ही सभी आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पूछताछ जारी है। उनके फोन से कई फोटो भी बरामद हुई है, जो लोग टारगेट पे थे उन लोगों की फोटो भी उन लोगों को दी गई थी। उसके साथ ही वो ऐप के जरिए सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन रख रहे थे, उसको लेके गुजरात एटीएस ने श्रीलंका पुलिस की भी मदद ली है। चलिए ठीक है निकुल, ठीक है। तो जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया निकुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 4 आतंकी गिरफ्तार।